हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू अबाउट बीटा फिश ब्रीडिंग। तो बीटा फिश की ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि सरफेस जहाँ पे आप ब्रीड कराने जा रहे हैं दैट शुड बी लोअर। लाइक रिसेंटली आई हैड प्रिपेयर्ड दिस एक्वेरियम, ये आप देख सकते हैं। इसका मैं पार्टीशन कर रहा हूँ और इसका जो पानी का लेवल है वो 3 से 4 इंच रखूँगा। तो उससे क्या होगा कि जब फ्राइज़ होंगे बीटा फिश के बच्चे तो वो इजीली स्विम कर पाएंगे। इस पॉन्ड में आप देख सकते हैं बहुत सारी बीटा फिशेज है। यहाँ पे मैंने लोटस लगाया हुआ है और प्लांट्स भी हैं एंड इवन इन दिस आल्सो यू कैन सी दीज आर द ब्लू बीटास। सो कलर से भी ये अग्रेसिव हो जाती हैं, इसलिए सेपरेट रखा हुआ है इनको। इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। मीट माय टर्टल, से हाय। इसमें मैंने मेल बीटा फिश रखी हुई है, यू कैन सी। और इसमें भी वन मोर मेल बीटा फिश। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें ये देखिए एक बड़ी बीटा फिश है फीमेल, शी इज़ रेडी एक्चुअली, एग्स वगैरह हैं उसके पास। इसमें भी एक दो फीमेल और मेल भी हैं, तो यहाँ से भी अपन चूज़ कर सकते हैं। साइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल ब्रीडिंग। दोनों फिशेज मेल और फीमेल का साइज़ इक्वल होना चाहिए, छोटा बड़ा या स्ट्रॉन्ग, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पतली है एक मोटी है एक मोटा है, ऐसा तो दे विल फाइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, सो नाउ यू कैन सी द लेवल ऑफ वाटर। इसमें मैंने प्लांट्स भी डाल दिए हैं सो दैट अगर फ्राइज बाद में होंगे तो दे कैन ईट सम फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये देखिए ये मेल बीटा फिश है, पार्टीशन करके इधर भी एक डाली है। इसको थोड़ा कवर करना पड़ेगा नहीं तो ये आपस में ही दिन भर एक दूसरे को देखते रहेंगे। ये प्लांट्स मैंने डाल दिए हैं, थोड़े और प्लांट्स डालूँगा टू कवर इट अप। और फिर इसमें फीमेल बीटा फिश को डालेंगे। पानी बहुत ही क्लीन है और थोड़ा वार्म है, पानी हमेशा वार्म ही रखिए। ठंडी में थोड़ा फ्राइज़ को प्रॉब्लम हो सकता है और इवन वाइल ब्रीडिंग आल्सो। ओके या फ्रेंड्स, इसमें बीटा फिश के फ्राइज़ है। मे बी वॉन्ट बी एबल टू व्यू दिस बट स्टिल आई विल ट्राई। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ्राइज़ दिखें। तो ये भी आप देख सकते हैं ये 2 से 3 इंच ही इसका लेवल है और इसमें फ्राइज़ रखे हुए हैं सो दैट दे कैन ईजीली स्विम। ये जो आप वाइट वाइट और ये सब देख रहे हैं ये स्नेल ने एग्स दिए हैं, तो उसको भी मैंने इसी में रख दिया है सो दैट दे कैन डेवलप। ये आप देख सकते हैं फ्राइज़, दिखाता हूँ मैं आपको, आई ट्राई टू शो यू। बहुत छोटे हैं वो, तो मे बी माइक्रो कैमरा से ही दिखा सकते हैं उनको।
हाँ ये देखिए, अगर इफ़ यू कैन सी दिस, ये तो काफ़ी बड़ा है इसलिए दिख गया, अदरवाइज बहुत छोटे छोटे फ्राइज हैं। और स्नेल्स भी आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे स्नेल्स हो गए हैं। ये भी एक वन वीक और मे बी इन 15 डेज दे विल ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग। मॉलीज दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए दिस इज सेंटा क्लॉज मॉलीज। एक्चुअली ये सोट टेल है बट मार्केट में इनको सेंटा क्लॉज मॉली ही बोला जाता है। तो इनके ये बच्चे हैं, ये भी मैंने सब अलग रखे हुए हैं। ठीक है, बीटा फिश आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा कंफर्ट हो रहे हैं ये दोनों, थोड़ा कंफर्ट हो जाएंगे उसके बाद में हम इस पर फीमेल डालेंगे। ये देखिए, ये फीमेल बेटा को मैंने निकाल लिया है दोनों को, इनको अलग रखा है थोड़ी देर, अभी इनको थोड़ा खाना देना पड़ेगा ताकि ये इनका पेट भरा रहे और ये फाइट ना करें। इनको थोड़े वॉर्म्स डाल देता हूँ और इसमें हीटर लगा दिया है तो पानी थोड़ा गर्म रहेगा तो इनको थोड़ा कंफर्ट फील होगा। प्लांट्स भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा लेवल अप किया है मैंने ताकि दोनों आराम से स्विम कर सके, इनके विंग्स टच नहीं हो सरफेस पे ज़्यादा। ये देखिए अग्रेसिव हो रहा है दोनों ही, इनफैक्ट इसमें कुछ लगाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को देख ना पाए यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में फीमेल बेटा को दोनों में डालेंगे। यू कैन सी द कलर्स, ये देखिए दोनों ने आपस में देख लिया एक दूसरे को, अभी फाइट के मूड में आ गए दोनों। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थर्माकोल लगा दिया है, आई हैड पुट थर्माकोल सो दैट दे कैन नॉट व्यू ईच अदर एंड दे विल नॉट फाइट। वैसे तो ग्लास है लेकिन अगर ये दिखता रहेगा एक दूसरे को तो पूरा दिन ये फाइट मोड में रहेगा। सो नाउ आई होप दे कांट सी ईच अदर। अभी नहीं दिख रहा है। सो नाउ दिस इज रेडी। पानी भी वार्म है, सो द सेटअप इज रेडी नाउ। फीमेल ने भी खाना खा लिया है सो दे मस्ट नॉट बी हंग्री नाउ। अभी इनको थोड़ी देर में हम छोड़ सकते हैं। नाउ यू कैन सी मैंने इनको कैरी बैग में डाल दिया है, ये देखिए पानी वार्म वाटर ही लिया है इसमें भी और दोनों को कैरी बैग में डाल दिया है।
कैरी बैग में इसलिए डाला है कि अगर डायरेक्टली अगर इनको छोड़ देते हैं आपस में तो दे विल फाइट, और उसमें मेल फीमेल को मार सकता है। तो नाउ वी विल पुट ये, मैंने छोड़ दिया है इसको, इसको थोड़ा सा अरेंज करके छोड़ना पड़ेगा कॉर्नर में ताकि ये हिले नहीं, कैरी बैग। और मेल को पता भी लग जाए कि फीमेल है इसमें। अभी वो देख रहा है, उसको थोड़ा आइडिया लगा है, दूसरी भी छोड़ते हैं। जाओ जाओ, अभी रुको 2 मिनट, इसको आना है बाहर। यू कैन सी टाइनी फिशेस हियर, देखिए कितने फिशेस है, फिशेस के बीच में रह लेता है ये, अगर कोई मर जाती है तो खा जाता है। इसको भी डाल दिया है, इजीली स्विम कर पा रही है, एटलीस्ट इतना स्पेस होना चाहिए दोनों। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू दिस स्मॉल स्पेस, छोटा जगह है तो उसको स्विम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। यू कैन सी द बैली एज वेल, थोड़ा उनका एग्स दिख रहे हैं, देखिए। सी हेयर ऑल्सो, अब इनको एटलीस्ट 8 से 10 घंटा ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर इनको डायरेक्टली डाल देंगे विदाउट दिस कैरी बैग और पॉलिथीन तो ये फाइट करेंगे दोनों। अभी देखिए वो आएगा और चेक करेगा, वो धीरे धीरे मूवमेंट चालू हो रही है इनकी, वो चेक करने आ रहा है कि कौन है क्या है, मेल है फीमेल है। ये देखिए अभी उसको पता लग गया कि ये फीमेल फिश है, तो पहले देखिए अग्रेसिव हो रहा है ये, देखिए देखिए, लेकिन अभी पॉलिथीन है तो वो अभी कुछ हार्म नहीं कर पाएगा, दोनों टू ईच अदर। तो ऐसे धीरे धीरे ये सेटल होंगे। सो दिस इज़ क्वाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप डायरेक्टली कभी भी मत छोड़िए इन दोनों मेल और फीमेल को कभी भी, तो वो इमिजिएटली फाइट स्टार्ट कर देते हैं और ये विंग्स वगैरह एक दूसरे के नोच देते हैं, एंड दे कैन हार्म ईच अदर, इवन मार भी सकते हैं, दे कैन किल ईच अदर। ये स्टार्ट हो गया है अभी, दोनों दे आर जस्ट रिकग्नाइजिंग ईच अदर। ये फीमेल तो कूल लग रही है अभी, मेल अभी कॉर्नर में ही है, उसको पता लगेगा थोड़ा स्विम का पानी में, जो उसको मोशन आए लगेगा पता तो वो आएगा और वो भी चेक करेगा। अभी देखिए ये स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी पॉलिथीन है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये देखिए अभी वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, अभी वंस ही विल इंश्योर कि ये फीमेल है
or maybe they can breed, तो he will start to make bubble nest. वो बबल नेस्ट बनाना स्टार्ट करेगा. ये देखिए, ये ऊपर इसने एक दो अभी जस्ट बनाए हैं, अभी वो बबल नेस्ट स्टार्ट कर देगा. पहले थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, ये देखिए वो ऊपर जाके बनाने लग गया, अभी स्टार्ट करेगा ये. वो मेल अभी आया नहीं है, उसको शायद पता नहीं चला है अभी पूरा. वो भी आएगा थोड़ी देर में और चेक करेगा वो भी. इट्स ऑलमोस्ट 7-8 hours पास्ट एंड यू कैन सी द बबल नेस्ट एज वेल. आप ये बबल नेस्ट देख सकते हैं. इसने स्टार्ट किया है, अभी ये दोनों रेडी हो गए हैं. अभी ये दूसरा वाला पेयर अभी इसने बबल नेस्ट नहीं बनाया है, लेकिन मे बी बाय दिस मॉर्निंग ये भी बना देगा. तो अभी इसको हम फीमेल को निकाल सकते हैं. अभी रात को इतना ज़्यादा फाइट नहीं करेंगे आई गेस. फीमेल को मैंने रिलीज कर दिया है. नाउ यू कैन सी इधर, थोड़ा इनको खाना डाल देते हैं सो दैट दे विल नॉट फाइट ईच अदर. ये थोड़े वॉर्म्स डाल रहा हूँ मैं. ये दूसरे पेयर ने भी बबल्स तो बनाए हैं लेकिन बहुत कम है. तो ये फीमेल को भी हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं. तो इसको भी मैं रिलीज़ कर रहा हूँ. इनको थोड़ा खाना डाल देता हूँ, वॉर्म्स इनको भी. नाउ यू कैन सी दे आर नॉट सो मच अग्रेसिव नाउ. अभी ये ज़्यादा फाइट मोड पे नहीं है एक्चुअली,
बिकॉज दिन भर इन्होंने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया है. यू कैन सी द सेकेंड पेयर एज वेल. ये देखिए ये अपने बबल्स क्रिएट करने में लगा हुआ है और फीमेल भी शांत है. सेम हियर. ये देखिए दोनों पास हैं. अब इसको लाइट्स ऑफ करके कवर करके छोड़ देते हैं सुबह तक के लिए.